खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आने के बाद शिक्षक व शैक्षिक कर्मचारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर सत्यापन बीएसए कार्यालय में आज ही हुआ। जिले में 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य शनिवार को भी हुआ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिला समन्वयक अविनाश पांडे ने बताया कि आज दो दिन कराए गए सत्यापन के बचे हुए शिक्षकों के अलावा शेष विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारियों के अभिलेखों की जांच की गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी शिक्षकों व कर्मचारियों ने मास्क लगाकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया। महानिदेशक स्कूली शिक्षा के निर्देश के क्रम में जनपद में संचालित समस्त कस्तूरबा विद्यालयों के समस्त स्टाफ के मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु उनका एकत्रीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी स्टाफ का एक अभियान चला करके 3 दिवस में मूल अभिलेखों को एकत्र किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इनके द्वारा कोई भी अगर विसंगति प्राप्त होती है तो उसकी सत्यापन करा करके, उसकी जाँच करा करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।